जी आए वक्त की बड़े खबर आ रहा थे, फिर शुरू हो ही बीजेपी के सहयोग केंद्र। आम जनता और कार्यकर्ता मन के सुने चाहिए समस्या, अलग अलग दिन मंत्री रही सहयोग केंद्र में मौजूद। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित हो ही सहयोग केंद्र, 4 जुलाई के मंत्री लखन लाल देवांगन सहयोग केंद्र में मौजूद रहे वाले हैं। 5 जुलाई के मंत्री दयाल दास बघेल समस्या सुनिए, उन्हें 8 जुलाई के उप मुख्यमंत्री अरुण साह मौजूद रही। 9 जुलाई के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल लोगन मन के समस्या सुने पर यहाँ मौजूद रही। दोपहर 2 बजे ले संझा 5 बजे तक बीजेपी कार्यकर्ता आमजन के समस्या यहाँ सुने चाहिए। एक खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमर संघ हमर सहयोगी राजधानी रायपुर ले रवि मिरी हमर संघ जुड़ चुके हैं। रवि, आप लोग जानना चाहो कि एक बार फिर बीजेपी यहाँ शिविर लगाए पर जा रहे थे, आम जनता की समस्या एक बार फिर सुने जाही, अलग अलग मंत्री यहाँ मौजूद रही, कितना लोगन मन लाए कर ले आसानी पड़ी, कितना सहयोग मिली लोगन मन लाए कर ले। जनता की समस्या सुने बर मुख्यमंत्री के भी हर सप्ताह गुरुवार के जनदर्शन लगते मुख्यमंत्री निवास में, जहां पब्लिक जाते और अपन समस्या बताते। वही तरह में अब जतके मंत्री हैं ऊ मन के अब जनदर्शन जैसे कार्यक्रम रखे गए हैं, जिनमें सहायता केंद्र है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में, वहां उन बैठी और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक बैठी। ये दौरान जनता और बीजेपी के कार्यकर्ता सभी वहाँ पहुँची और अपन अपन समस्या बताई कि का का काम होना है, का का काम रुके है और का का योजना है जेकर लाभ नहीं मिला थे। ये सब समस्या ला सुने बर बीजेपी हर प्रयास करे है, अभियान शुरू करे है और इसमें अलग अलग दिन अलग अलग मंत्री ला जिम्मेदारी दे गए है और लिस्ट हमारे पास आ गए है। 4 जुलाई के सबले पहली यही लखन लाल देवांगन जो श्रम और उद्योग मंत्री है, ओकर जिम्मेदारी है, ओकर विभाग के जो भी समस्या है वो सब समस्या के बारे में चर्चा करी महिमा। बिल्कुल बिल्कुल रवि, तो बीजेपी सरकार के ओर ले शायद सरकार के ओर ले एक बढ़िया पहल जी, आम जनता की समस्या सुने जाही, ये तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और चला आगू बढ़तन, बता देवन की राजनंद गांव सांसद संतोष पांडे हा लोकसभा माम महादेव सट्टा ऐप के मामला उठाई और राहुल गांधी ला घेरिन, कहिन की छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री महादेव के नाव पर सट्टा चला रहे थे और यही कारण है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव निपट गए रही है। कहिन कि राहुल गांधी भगवान शंकर ला आसानी ले ना ले, संघ ही वो बातचीत मा चित्र दिखाए के कोशिश ना करे। राहुल गांधी जी बार बार भगवान शंकर का फोटो दिखा रहे थे, वो भगवान भोलेनाथ है, भगवान शंकर है, ये आपकी फितरत में है। आपने छत्तीसगढ़ में, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री का जो निपटा दिया छत्तीसगढ़ को और वो आकर के लोकसभा में भी निपट गए, वो महादेव जी के नाम से सट्टा चला रहे थे जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने निपटा दिया। अवित सांसद संतोष पांडे के आरोपों पर भूपेश बघेल के जवाब सामने आई से, पूर्व सीएम भूपेश बघेल कही ने कि कानूनी कार्रवाई करी जा, मोर पर लोकसभा के अंदर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, मैं लोकसभा के स्पीकर महोदय ला पत्र लिखे हो, सुनियोजित दुष्प्रचार पर खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे जाही, मैं तो आज मुख्यमंत्री नहीं हूँ और केंद्र में भी भाजपा के सरकार है, तो का अभी महादेव सट्टा ऐप काहे बर चल रहे थे। इस प्रकार की बात उन्होंने कही है जो बेबुनियाद है और इस मामले में मैं लोकसभा के स्पीकर को भी पत्र लिखने वाला हूं और सरकार बदल गई, महादेव ऐप चल रहा है, तो क्या इस महादेव ऐप का नाम अब बदल के क्या विष्णुदेव साय ऐप रखने वाले हैं? ये ऐप तो चल रहा है, अभी तक की कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान के बाद देश के संगी छत्तीसगढ़ प्रदेश में घलो सियासत गर्म हो गए है। एक तरफ बीजेपी जी भगवान शिव की तस्वीर दिखा के राहुल गांधी द्वारा बीजेपी के ला हिंदू विरोधी कहे वाले विरोध जता रहे थे, उन्हें आप ला बता देवन कांग्रेस घलो हिंदू विरोधी उमला बता रहे थे, तो उन्हें दूसरी तरफ कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता मन शांति संदेश दहीन और इकट्ठा होके राहुल गांधी के बचाव करें, संघी एकर संघी बीजेपी ऊपर जम के निशाना घलो साधें। तस्वीर लेकर सिर्फ ये बताने का प्रयास किया कि हम जिन्होंने हमको सिखाया है, जिन्होंने हमको जन्म दिया, वो सदैव लोगों की मदद करने के लिए का मैसेज दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अहिंसा करती है, हिंदू के नाम पर राजनीति की रोटी सेकती है, चुनाव की राजनीति को सेकने का काम करती है।
सुकमा में दो हार्डकोर नक्सली मन आत्मसमर्पण कर रहे हैं। एक महिला और एक पुरुष नक्सली में शामिल हैं। महिला नक्सली पिछला 22 साल से सक्रिय रहीस, पुरुष नक्सली पिछला 15 साल से सक्रिय रहीस। दोनों कोंटा एरिया कमेटी के कुख्यात नक्सली हवें। दोनों नक्सली मन ऊपर 5-5 लाख रुपया के इनाम घोषित रहीस। SP और CRPF DIG के सामने मन सरेंडर करिन है। नक्सली मन बता देवन नक्सली मन ऊपर ही गद्दारी के आरोप लगाइन है। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दोनों साथी मन बताइन है कि आप मल्ला बता देवन कि नक्सली मन गद्दार रहिन है। नक्सली मन प्रेस विज्ञप्ति में बताइन कि दोनों नक्सली लगभग 1.80 लाख रुपया के वॉकी टॉकी लेके अपन संग गए रहिन। पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करे ऊपर अब दोनों ला पुनर्वास नीति के लाभ मिल रहे थे और दर्जनों घटना में दोनों शामिल रहिन है। सुकमा पुलिस और CRPF द्वारा सुकमा जिले में जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, नियत नार अभियान, उसकी योजना अंतर्गत आज सुकमा जिले में सोड़ी गजेंद्र जो कोंटा एरिया कमेटी का सदस्य है और एर्रापुर सिविल ऑर्गेनाइजेशन का जो अध्यक्ष था उसमें आज आत्मसमर्पण किया है। उसके ऊपर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 लाख का इनाम रखा गया था। उसके अलावा जो सोड़ी मंजुला कोलमपली LOS कमांडर है उसके ऊपर 5 लाख का इनाम रखा गया है, उसने भी आज आत्मसमर्पण किया है। दोनों जो नक्सली थे वो लंबे समय से नक्सल संगठन में कार्य कर रहे थे। लगभग सोड़ी मंजुला 2002 से काम कर रही थी और जो सोड़ी गजेंद्र था वो 2015 से काम कर रहा था। और इधर रायपुर पुलिस नशा के खिलाफ बड़े कार्रवाई करी से 3 किलोग्राम अफीम के संग आरोपी सुंदर सिंह ला गिरफ्तार करेगी से। ये पूरा मामला थाना तेलीबांदा क्षेत्र के बताया जा रहा थे, जहां श्याम नगर स्थित गुरु नानक चौक के पास प्रतिबंधित मादक पदार्थ अफीम के बिक्री करते हुए आरोपी ला रंगे हाथों पकड़े गए। आरोपी के कब्जा ले लगभग 3 किलो ले अधिक प्रतिबंधित मादक पदार्थ अफीम और बिक्री के रकम बता देवन जिमा 3,23,800 रुपया जब्त करेगी से। जब्त अफीम के कीमत लगभग 6,43,800 रुपया आके जाते। आरोपी ला वर्ष 2024 के माह फरवरी माह ही अफीम बिक्री करे बर यहाँ भेजे गए रही से। वो अपन ला बता देवन कि एक बार जेल भी फरवरी माह हो गए रही से। श्याम नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति है, अपने पास मादक पदार्थ रखा हुआ है। सूचना पर संयुक्त टीम वहां पर रवाना की गई। एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम सुंदर सिंह है, जो कि श्याम नगर क्षेत्र का ही रहने वाला है। उसको सर्च करने पर उसके पास से 3.210 किलोग्राम अफीम बरामद किया गया है। इसकी कीमत लगभग 3.5 लाख के आसपास है। वैसे ही उसके पास से 3,23,000 रुपये कैश बरामद किया गया है। तो इस प्रकार से लगभग 7 लाख के आसपास की हमको मसरूका बरामद किया गया है और NDPS की धारा 18 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सुंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। और राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांजा तस्करी के मामला में पुलिस सब मुखबिर के सूचना पर रायपुर निवासी 2 आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे से। पुलिस के गिरफ्त में आए आरोपी मल्ला लगभग 8.5 किलो गांजा बरामद करेगे से। सूचना मिले पर पुलिस रविवार के रात्रि आरोपी मल्ला पकड़ी से और बता देवन घेराबंदी करके पकड़े गए से। इस दौरान शहर के गौरव पथ पानी टंकी के पास संदेही आरोपी मल्ला पुलिस तलाशी करे। बता देवन तो वन के वैन के भीतर मां दो ट्राली बैग मां गांजा ले भरे पैकेट पाएगी। आरोपी मन ला थाना लाके पूछताछ करेगी। ये दौरान आरोपी मन पुलिस ला बताइन कि ओमन रायपुर ले बालोद गांजा के डिलीवरी करे जात रही है। वह आरोपी मन के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत पूरा मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर देगी से। कोई एक नीट इंस्टीट्यूट है रायपुर की, वहाँ वो मैनेजर का काम करता है। वहाँ बच्चों के लिए लाने जाने में जो गाड़ी पैक होती हुई थी वह वाहन स्वामी को बिना बताए उस गाड़ी को लेकर अपने दोस्त एक अन्य दोस्त जो कि ड्राइवर ही काम करता है जितिन सिंह ठाकुर के राजपूत के साथ वो यहाँ आकर गांजा की डिलीवरी के लिए पहुँचा हुआ था। और आगो बात दुर्ग की, जहां दुर्ग पुलिस महादेव ऐप सट्टा मामला में एक और सफलता हासिल करी है। दुर्ग पुलिस ACCU के टीम हैदराबाद में महादेव सट्टा ऐप के पैनल चलाए वाले 6 सटोरिया मल्ला गिरफ्तार कर ली से। सबो सटोरिया दुर्ग जिला के रवैया बताए जा रहा थे। सटोरिया मन के पास ले पुलिस 5 नग लैपटॉप, 21 मोबाइल फोन और संगमाही कार, 5 लाख रुपया के सोना के जेवरात, ATM कार्ड समेत भारी मात्रा में किताब बरामद करे से। आप मल्ला बता देवन कि जेकर कीमत 25 लाख रुपया आके गए से। पुलिस ने बताई से कि आरोपी मल्ले प्राप्त बैंक खाता में 2 माह में लगभग 1.25 करोड़ रुपया के कारोबार करेगे से।
जानकारी प्राप्त हुई कि विनय नाम का एक लड़का जो कि हैदराबाद में कोई पैनल वगैरह अपना रन कर रहा है, फिलहाल यहाँ आया हुआ है। इसके बाद इसका पीछा जब लगभग जो है बहुत फिल्मी स्टाइल से हम लोगों ने रायपुर से किया, रायपुर से करके जब ये अपने घर पहुँचा तब हमने इसको पकड़ा। तो उस दिन इसके पास हमको सूचना मिली कि 3 पैनल इसके हैदराबाद में रन कर रहे हैं। हैदराबाद में एक बड़े बैंक फ्रॉड केस के लिए और एक गुम इंसान के लिए हमारी टीम ऑलरेडी थी, तो विद इन 2 आवर्स इसके पकड़ने के बाद हमने हैदराबाद में भी रेड की। और मार्च और अप्रैल में हुए बेमौसम बरसात के कारण सैकड़ों किसान मन के सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई रही है। बता देवन की प्रभावित किसान मन ला मुआवजा की राशि नहीं मिल पा रहा थे। किसान मन अब कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे। पैसा जारी होने के बाद किसान मन के मुआवजा की राशि काबर नहीं मिल पा रहे थे, एक का कारण है देखा हुए माप विस्तार न्यूज के खास रिपोर्ट। अप्रैल में हुई बेमौसम बारिश, सैकड़ों किसान के फसल बर्बाद, मुआवजा पर किसान लगाते चक्कर, 150 करोड़ मुआवजा के अटके है फाइल, अब कांग्रेस उठाते सवाल। छत्तीसगढ़ के किसान ये दिन परेशान चल रहे थे, कारण है मुआवजा राशि के भुगतान नहीं होना। धान की कटोरा कहे जाए वाले ये प्रदेश में किसान हमेशा ले राजनीति के केंद्र बिंदु में रहते। प्रमुख राजनीतिक दल के संग ही स्थानीय दल घलो इमन ला साधे में जुटे रहते, लेकिन मार्च अप्रैल में हुए बेमौसम बरसात था सबले अधिक दुर्ग बालोद कवर्धा और बेमित्रा के किसान मन के फसल ला खराब करी से। इस दौरान करीब 29 करोड़ रुपया जारी कर कुछ किसान मल्ला मुआवजा बांट दे गे रही से, लेकिन बाद में जब जिला ले मंत्रालय ला सर्वे रिपोर्ट मिले तो करीब 1.5 लाख किसान मन के मुआवजा देना बाकी है। अब किसान मांग कर रहे थे कि जो राशि बाचे है ओला किसान मल्ला जल्द ले जल्द दिलाना चाहिए। किसान नेता परसनाथ साहू कही से कि सरकार ला जल्द राशि देना चाहिए। अप्रैल माह में बेमौसम बारिश हुआ था जिससे साग सब्जी दलहन तिलहन खरबूज आदि फसल पूरी तरह बर्बाद हुआ था। विशेष करके बेमेतरा कवर्धा एवं राजिम इलाका में किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ था। सरकार को चाहिए कि अपना नियत सही रखे, कार्य में पारदर्शिता लावे और किसानों के मांग के अनुरूप उसके जो क्षतिग्रस्त फसल है उसका शीघ्र से शीघ्र मुआवजा प्रदान करें। किसान परेशान है तो राजनीति कैसे नहीं होगी। 5 महीना ले अधिक के समय बीत चुके हैं और कई किसान मन ला मुआवजा नहीं मिले हैं, तो एमा कांग्रेस सा अपन हथियार बना के भाजपा सरकार ला घेरते हुए नजर आ रहे थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हर तंज कसते हुए कही से कि सरकार के पास पैसा नहीं है, कही से कि मुआवजा देना चाहिए। यही पर दारू रेती सीमेंट गिट्टी के रेट बढ़त जा रहे थे, कमीशन खाए पर खाली पैसा है, किसान ला दे बर नहीं है। वह दूसरी तरफ कांग्रेस के तंज पर आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा हा अपन बयान दी से, जमा वह कही से कि अप्रैल माह में सबको जिला ला 29 करोड़ रुपया जारी करे जा चुके है। जिन किसान मन के सर्वे प्रकरण बने हो ही वो किसान मल्ला राशि मिल चुके है, कलेक्टर ले बात करके चेक करवाथन कि का कुछ आगे हुए है। सरकार के पास पैसा ही नहीं है, कहाँ से मुआवजा देगी, इसलिए तो कभी दारू का रेट बढ़ा रहे हैं, तो कभी तो वो रेती का रेट बढ़ा रहे, सीमेंट का रेट बढ़ा रहे, गिट्टी का रेट बढ़ा रहे, तो सरकार के पास कमीशन खाने के लिए पैसा है लेकिन किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है। उसकी राशि प्रदेश के सभी जिलों को अप्रैल में ही लगभग 29 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, और जिन किसान का सर्वे हुआ होगा, जिनका प्रकरण बना होगा, उन किसानों को मेरे हिसाब से ये राशि मिल गया होगा। मुआवजा राशि ला लेके किसान परेशान है, रोज जिम्मेदार मन के दर पर हाजिरी लगा रहे थे, लेकिन शायद उमन के बाद सुनने वाला कोई नहीं है। अब किसान मन की आवाज सुने जाते और कब तक खाता तक मुआवजा की राशि पहुँचते, एकर इंतजार किसान लगातार कर रहा थे। विस्तार न्यूज पर रायपुर ले खोवन साहू की रिपोर्ट। बता देवन की बलरामपुर जिला खाद्य औषध विभाग में ताबड़तोड़ कार्रवाई नजर आ रहा थे। जी हां, आप बता देवन की कई प्रतिष्ठान में
दबिश दे गिस है। जिला कई होटल मा खाद सामग्री के सैंपल उठाए गिस है। खाद सुरक्षा अधिकारी मन ला जानकारी देते हुए बताए है कि बरसात के मौसम ला देखते हुए स्कूल परिसर के नजदीक होटल आऊ शहर के अन्य प्रतिष्ठान के जांच करे गिस है। जमा कन्या माध्यमिक हाई स्कूल के सामने गुप्ता होटल के पीए के पानी के टंकी मा कीड़ा पाए जाए ऊपर कार्रवाई करे गिस है। आगू घलो निरंतर लगातार ये जो कार्रवाई है वो जारी रही। बरसात के मौसम में स्कूल परिसर के बाहर में एवं होटलों में गंदे पानी या अन्य किसी खाद्य पदार्थ अगर मक्खी युक्त है इस प्रकार के चीज़ों के जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिया गया था। उसी के तहत बलरामपुर जिला मुख्यालय में आज समस्त होटलों में दूध पानी और जो पानी पिलाने के टंकी हैं इन सब की जाँच की जा रही है, जिसमें से स्कूल के पास जो CMHO ऑफिस के चौक वो स्कूल है वहाँ पर दो होटलों में जो ग्राहकों को पानी पिलाया जाता था उसमें कीड़ा मिला है, तो उन लोग दोनों का पानी को मौके पर नष्ट करा के नोटिस भी दिया जा रहा है। और यहाँ कलेक्टर ऑफिस चौक के पास कलेक्टर ऑफिस के सामने के होटलों में दूध और पानी की जाँच की जा रही है। अवती मुंगेली जिला में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा तरह ले लचर हो चुके हैं। कई निर्धारित समय अवधि में अस्पताल के तालाब तक नहीं खुले रहते। ऐसे एक मामला एक अस्पताल ले सामने आई जहां सालों ले अस्पताल ले डॉक्टर नदारत है लेकिन वेतन और हाजिरी बकायदा ले जा रहा थे। बता देवन स्वास्थ्य सेवा के नाम ऊपर महज खाना पूर्ति करे जा रहे थे। मामला स्वास्थ्य केंद्र कंतेली के बताए जा रहे थे जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आसपास के तकरीबन 10,000 लोगन मन अपन स्वास्थ्य सेवा बर यहां आते लेकिन यहां पूरा तरह ले जो पूरा अस्पताल है वो वार्ड नर्स और संगमाही वार्ड बॉय के भरोसा ले संचालित है। बता देवन कि वैसे तो अस्पताल में 10 स्टाफ के स्वीकृति है लेकिन वास्तविकता में अस्पताल में मात्र 3 ले कर्मचारी ही नजर आते जेकर ले लोगन मन ला खूब परेशानी के सामना करना पड़ रहा थे। मुख्य उपस्थिति में मैं आ रहे में हूँ, मैं बाकी उनके अनुपस्थिति में मरीजों का OPD संचालन मेरे द्वारा किया जाता है। अभी वर्तमान में मतलब यहाँ पे 10 कर्मचारी पदस्थ हैं, उसमें से फार्मासिस्ट हैं, सहायक ग्रेड 3 हैं, वार्ड बॉय है, ये अन्य जगह में संलग्न है। इसका बहुत गंभीर प्रकृति की शिकायत है, इसका जांच करने के निर्देश CMHO को ऑलरेडी दे दिए गए हैं। जैसी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कार को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयास किया जाए। सूरजपुर में बदमाश मन के हौसला ए दिन बुलंद हो गए है जहां पुलिस ऊपर घलो हमला करे ले मन चूक नहीं रहते। दरअसल बीते रात ग्राम दतिमा के पास चौक पर कुछ युवक अपन बर्थडे के नाम ऊपर हुड़दंग करत रही है। यही दौरान विश्रामपुर थाना क्षेत्र के करंजी चौकी मा पदस्थ प्रधान आरक्षक समय लाल हा उमला समझाए बर पहुंचिस तो मन दबंगई करना शुरू कर दी और बता देवन की युवक के झुंडा पुलिस ऊपर हमला कर दीस। और जब प्रधान आरक्षक हा अपन घर विश्रामपुर पहुंचिस तो ओकर पीछे एक दर्जन ले ज्यादा बदमाश मन हा प्रधान आरक्षक ऊपर हमला करे बर पहुंच गए। मामला विश्रामपुर पुलिस हा 7 आरोपी मल्ला गिरफ्तार कर जेल भेज दीस है। उन्हें फरार आरोपी मन के तलाश घलो जारी है। जब हवलदार अपने घर में गया तो उसके साथ उसको मारने पीटने के हिसाब से उन लोगों ने उस घर तक जाने का प्रयास किया, उनके साथ अभद्रता करने का प्रयास किया था। ऐसी स्थिति में उसके अगेंस्ट थाना विश्रामपुर में अपराध कायम किया और सरकारी काम में बाधा और इस तरीके के करीब 7 धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई किए हैं। और फिर खबर सूरजपुर ले बता रहे थे जिया सूरजपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 मा नाली निर्माण कार्य वार्डवासी मन भर परेशानी के सबब बन गए है। जी हाँ, बरसात के शुरुआत होते ही रोजाना बारिश हो रहे थे और बारिश में निर्माणाधीन नाली और ओकर मलबा के कारण लोगन मन के यहाँ चलना तक दुभर हो गए है। आए दिन कीचड़ में तब्दील हो चुके मार्ग में दुर्घटना के संभावना बने रहते। जी हाँ, स्थानीय लोगन मन के कहना है कि बरसात के पहले निर्माण कार्य कराया जाना रही है लेकिन बरसात में नाली निर्माण समझ ले परे है। ऐसे में नगर पालिका के जिम्मेदार पूरा मामला में मीडिया ले दूरी बनाए हुए हैं। वे SDM हा मामला में मुख्य नगर पालिका अधिकारी ले चर्चा कर नाली निर्माण में हो रहे परेशानी ला दूर करे के बात करत नजर आई से। अवती MCB जिला में मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के कुआरपुर वन परिक्षेत्र में
कुदरा बीट में लाखों के लागत ले वन परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा स्टाफ डैम के निर्माण कराई गई से, लेकिन ये निर्माण ला देखते हुए निष्कर्ष निकाले जाते हैं कि ये डैम भ्रष्टाचार के बंदर बाट के भेंट चढ़ चुके हैं। भ्रष्टाचार के गवाही स्वयं ये स्टाफ डैम दे रहे थे, तस्वीर भी अपन देख सकते हो। जी हाँ, पहला बरसात में ही ये स्टाफ डैम में दरार आ चुके हैं और देख सकते हो कि कैसे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े। और इतनी रायगढ़ जिला में एक दंतैल हाथी हा एक घर ला तोड़े के वीडियो सामने आई है। बता देवन एमा हाथी हा दो दिन पहले ही एक गांव में दो ग्रामीण मन के घर तोड़े रही से, संग ही पांच किसान मन के फसल ला रौन दे रही से। हाथी के द्वारा पहुंचाए जा रहे लगातार नुकसान ले गांव में दहशत के माहौल है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ वन मंडल क्षेत्र में बंगुरसिया जुनवानी इलाका में बीते कुछ दिन में 25 ले अधिक की संख्या में जंगली हाथी मन विचरण कर रहे थे। और बात अब बढ़िया खबर की, जी हाँ, बता देवन कि कर्नाटक के बेलगाम में हो स्केटिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला ले 6 लड़का मन छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व करें। जी हाँ, 100 मीटर ले 75 घंटा नॉन स्टॉप स्केटिंग कर लड़का मन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपन नाव दर्ज करा लीन है। लड़का मन हा यहाँ मेडल जीतीन है। बता देवन प्रतियोगिता में देश भर ले 856 लड़का मन शामिल हो रही है। यहाँ कोरिया कलेक्टर का कहीन है कि ये जिला के बड़े गर्व के बात है। जिला में बहुत जल्द ही स्केटिंग ग्राउंड के घलो मंजूरी दे दी जाए। जिला प्रशासन के प्रयास रहे कि स्केटिंग ले लड़का मल्ला आगू बढ़ाया जाए। हम लोग छत्तीसगढ़ से 6 लोग गए थे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाने बेलगम में, और वहाँ इंडिया से लगभग सारी स्टेट से आए थे वहाँ, और वहाँ पर हम लोग को बहुत मज़ा आया। हम लोग बहुत चीज़ें की स्केटिंग में, और हम लोग छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने गए थे वहाँ। हम हर साल टूर्नामेंट्स अटेम्प्ट करते हैं। इस साल भी हम पिछले साल भी हम लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किए थे, और इस साल भी हमारे 6 बच्चे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किए। हमारे बच्चे छत्तीसगढ़ में से 6 बच्चे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किए हैं, वो भी बेलगाम कर्नाटक। देखिए, कर्नाटका के बेलगाम में जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके द्वारा जो फास्टेस्ट 100 मीटर्स जो बैकवर्ड स्केटिंग है इसका कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया था। इसके अंतर्गत कोरिया ज़िले से भी 6 बच्चों ने पार्टिसिपेट किए और सभी को उसमें प्राइज भी मिले, मेडल मिले और सर्टिफिकेट्स मिले। ये बहुत ही एक गर्व की बात है कि हमारे ज़िले से भी इतने प्रतिभावान बच्चे जो हैं स्केटिंग में इस स्तर पे जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहाँ से प्राइज भी जीत रहे हैं।